आप देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़, मैं हूं नौशी। बीते 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से ही लापता सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की बीवी ने सही बंदोबस्त ना करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राकेश्वर सिंह की बीवी मीनू ने मीडिया से कहा है कि अगर एक जवान ड्यूटी पर पहुंचने में देरी कर दे तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब जब एक जवान 3 अप्रैल से लापता है तो हुकूमत खामोश बैठी है। जवान राकेश सिंह मनहास के घर वाले उनकी वापसी के लिए एहतजाज पर हैं, एहतजाज में ये बैठे हैं। जवान की बीवी और मां ने अपने बेटे को हुकूमत से वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इनकी अपील है कि हुकूमत मनहास को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाए। राकेश सिंह मनहास के भाई ने भी हुकूमत से जल्द इनके भाई को ढूंढने की अपील की है। इसी बीच सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश सिंह मनहास के खानदान का कहना है कि हमले के बाद से इनसे कोई रابطہ नहीं हुआ और ना ही सरकार और महकमे की जानिब से इन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। यहां आपको बता दें कि इस हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान शहीद हुए हैं और तब से ही राकेश्वर सिंह मनहास लापता है। जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए या डिपार्टमेंट कराए, मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना सरकार, क्यों नहीं ले रही? मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको अपने जवान की? मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है, हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नक्सलियों से है नहीं या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें। हम कैसे पहुँचें? हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचें उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें।